अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप पीपीएससी से लेक्चर फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं और आपको किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। लेक्चर फिजिक्स की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ टारगेट तैयारी कीजिए। पास्ट पेपर से ये ऑब्जर्व किया गया है कि लेक्चर फिजिक्स के पेपर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसका 40% पार्ट एफएससी के कोर्स से लिया जाता है, इसका तकरीबन 30% पार्ट बीएससी के कोर्स से लिया जाता है और इसका तकरीबन 10% पार्ट एमएससी के कोर्स से लिया जाता है। लेक्चर फिजिक्स के पेपर में टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जर्नल एबिलिटी के होते हैं। तो जर्नल एबिलिटी को तैयार करने के लिए आपको पूरी दुनिया के जर्नल नॉलेज का कुछ हाव नाव होना चाहिए, तकरीबन पिछले एक साल के करंट अफेयर का पता होना चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान के मौजूदा करंट अफेयर का पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड होते हैं, इनको कवर करने के लिए आप 9th और 10th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान की बुक स्टडी कर लें। इसके अलावा चंद सवाल इस्लामिक स्टडी से दिए जाते हैं और चंद सवाल इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश में आप बेसिक ग्रामर, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को याद कर लें। इसके साथ उर्दू के चंद सवाल दिए जाते हैं। जर्नल एबिलिटीज़ के इन तमाम पार्ट्स की तैयारी करने के लिए आप इस वेबसाइट waseem.ak.notes.com पर चंद पीडीएफ फाइल्स दी गई हैं, बस इन्हीं फाइल्स को आप डाउनलोड करके याद कर लें। लेक्चर फिजिक्स में जर्नल एबिलिटी के लिए यही डेटा काफ़ी है। जनरल एबिलिटी के अलावा सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको अपनी तैयारी मैट्रिक क्लास की बुक्स से शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तानी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक की क्लास 9th और 10th की फिजिक्स की बुक पढ़ लें। अगर आप फॉरेन बुक पढ़ना चाहते हैं, ओ लेवल की फिजिक्स की बुक पढ़ लें। इसके बाद आपको एफएससी की बुक्स कवर करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक की क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स की बुक रीड कर लें। और अगर आप फॉरेन बुक पढ़ना चाहते हैं, ए लेवल की फिजिक्स की बुक पढ़ लें। इसके बाद बीएससी के कोर्स को कवर करने के लिए अगर आप पाकिस्तानी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, एमबीडी पेपर ए रीड कर लें। इसमें आपकी मैकेनिक्स और वेव्स एंड ऑसिलेशन का कोर्स कवर हो जाएगा। इसके साथ एमबीडी पेपर बी रीड कर लें। इसमें थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोर्स कवर हो जाएगा। इसके साथ एमबीडी पेपर सी पढ़ लें। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स कवर हो जाएगा। ये एमबीडी सीरीज़ की तमाम बुक्स प्रोफेसर मोहम्मद कलीम अख्तर ने लिखी हुई हैं। अगर आप बीएससी के कोर्स को कवर करने के लिए कोई फॉरेन बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ लें। ये बुक रेजनिक, हॉलीडे, क्राइन ने लिखी है। अगर आप इससे निस्बतन आसान बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर इस बुक को रीड कर लें। इस बुक के राइटर सर्वे एंड जैवेट हैं। इन बुक्स के अलावा आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। इस बुक के राइटर सीवर्स एंड जेमन स्काय हैं। इन तीनों में से कोई एक बुक आप बीएससी के कोर्स को कवर करने के लिए पढ़ सकते हैं। एमएससी के कोर्स को कवर करने के लिए अगर आप पाकिस्तानी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप एमबीडी सीरीज़ की न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक पढ़ लें। इसी तरह एमबीडी सीरीज़ की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक पढ़ लें। इसके साथ एमबीडी सीरीज़ की क्वांटम मैकेनिक्स की बुक भी रीड कर लें। ये तमाम बुक्स प्रोफेसर कलीम अख्तर की ही लिखी हुई हैं। अगर आप एमएससी के कोर्स को कवर करने के लिए फॉरेन बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जेटली की क्वांटम मैकेनिक्स की बुक पढ़ लें। इसके साथ आप थॉमस फ्लॉयड की बुक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ लें।
और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कोर्स को कवर करने के लिए आप एम अली उमर की बुक पढ़ लें। जब आप एमएससी तक अपने तमाम कोर्स को कवर कर लें, नाइन्थ क्लास से लेकर एमएससी तक के तमाम कोर्स को रिवाइज करने के लिए और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए आप यूनिवर्सल बुक ट्रेडर की ये बुक एररलेस फिजिक्स पढ़ लें। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें फिजिक्स के तमाम बेसिक कंसेप्ट को टू द पॉइंट लिखा गया है और उनके मुतल्लिक बेशुमार एमसीक्यूज दिए गए हैं। इसके साथ आप दिशा एक्सपर्ट की ये बुक पढ़ लें, जिसके राइटर हैं संजीव कुमार। इस बुक से भी आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमएससी के तमाम कोर्सेज को नहीं पढ़ना, इनमें से सिर्फ चंद टॉपिक्स ही करने हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं उनकी स्लाइड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको तैयारी के लिए कुछ डायरेक्शन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।